नमस्कार दोस्तों, आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपके इन बड़े सपनों के लिए आपका ज्ञान भी बड़ा होना जरूरी नहीं है? क्या आपके मोटिवेशन का आधार बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब तक आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब तक आप में जोश रहता है, लेकिन जैसे ही काम करना या पढ़ाई करना शुरू करते हो जोश पता नहीं कहां गायब हो जाता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया तो ना तो आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो, किसी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और ना ही ऐसा कोई लक्ष्य होगा जो आज के बाद आप अपनी लाइफ में प्राप्त नहीं कर सको। लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको शांति से बैठ के, आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपनी थॉट्स में बिठा लेना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो कृपा करके आप इसको अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी भी उस इंसान को सेक्रेट ज्ञान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए, इस पृथ्वी के सबसे पहले और इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हां, बांसुरी बजाने वाले भगवान कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया पर, आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पर भी एकदम सही बैठता है। और यह जानकर के बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एनी बिसेंट, सुनीता विलियम्स जैसे और ना जाने कितने लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचेंगे कि भागवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या हैं और कौन हैं, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान है और अगर है तो कहाँ है, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, ये लाइफ रियल है या एक इल्यूजन या एक सपना। दोस्तों, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए उस गीता ज्ञान को जानना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर आपको एक बात का जरूर एहसास होगा कि ये असली नॉलेज में पहले क्यों नहीं हासिल कर पाया। तो ऐसा क्या है आखिर भागवत गीता में और इसका मतलब क्या है? भागवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुंह से गाया हो। भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगा। वैसे तो भागवत गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने गीता के पूरे 18 अध्याय, 700 श्लोक पढ़कर उनको आज की जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं वह बताया है। दोस्तों, मैं यहां पर पूरे 18 चैप्टर कवर करूंगा
और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि उसमें आप क्या सीखने वाले हो, फिर उस चैप्टर को शॉर्ट में समझाऊंगा और उसके बाद उससे सीखने वाली चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको यह जानना है कि आखिर भगवान को खुद ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये पांडव और कौरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपको अलग से दे दूंगा। तो चलो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहां पर पांडव और कौरव युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हैं। भागवत गीता अध्याय 1, सेना का निरीक्षण। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से आपको यह सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है, वह भी हम जानेंगे। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे, दादा भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव दोनों खुद भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ, तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में एक बार ले जाकर के खड़ा कर दो, ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किनको मारना है। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना के सामने वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया, जहां पर कौरवों की सेना में अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखा, वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और कृष्ण से बोले, यहां तो हर कोई मेरा सगा संबंधी ही है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता, मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोक भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह से अर्जुन पूरे दुखी होकर और खुद को कोसते हुए अपने धनुष को छोड़कर रथ में वापस जाकर बैठ गए। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में मास्टर थे और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी चाहिए होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया और उससे फिर वो दुखी हो गए, वो युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लेकिन आपको नींद और आलस्य का मोह होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे, लेकिन वो अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करता, ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। भागवत गीता अध्याय 2, गीता का सार। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है, और गुस्से का सबसे बड़ा रीजन और उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हो और मेहनत कैसे करते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया,
जिस तरह की कमजोर बातें तुम बोल रहे हो वो तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि मैं किस तरह से अपने ही गुरुजी द्रोणाचार्य और दादाजी भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना धनुष चला सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरे लिए हमेशा से ही भगवान की तरह रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार ही है। मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को देखने लगे। भले कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वो दे ही ना, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? यहीं से शुरू होता है भागवत गीता का वो ज्ञान जो आपको भी अर्जुन बनकर ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये तुझे अचानक से क्या हो गया? तुझ जैसे इंसान को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए, और वैसे भी तुझे क्या लग रहा है, ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तू ही इनको मारेगा? इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा, इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का तुझे पाप लगने की, तो ये समझ ले इनको मारने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूं। तू तो इनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस प्रकार से तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूं, और ये बता, क्या तू किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? अगर तू मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता तो जीवित को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं, और इनकी मौत मैंने तेरे ही हाथों लिखी है। और अर्जुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्म लेकर मरती है, वैसे ही मरने के बाद प्रकृति का चक्र पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से भी आत्मा नष्ट नहीं हुई, और जब प्रकृति ऐसे ही चलती है तो भला तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वो ना केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तूने ये युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तूने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा, और तेरे जैसे अर्जुन के लिए तो कलंक उसकी मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुझे बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तेरी बहुत बुराइयां करेंगे, तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू सुख दुख हार जीत और फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा, जिससे या तो तू युद्ध में मारा जाकर मेरी ही शरण में आएगा या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगेगा। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम काम करने के पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूं और कर्म करने वाले हो तुम। तुम अपना काम करो, मैं अवश्य अपना काम करूंगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर यानी कि अपने इमोशंस और थॉट को कंट्रोल करने को कहा है, तो यह मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होती है। जिसके मन से हर प्रकार का डर भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है। इच्छाएं अच्छी लगने लगती है तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है, और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है।
और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पाता, और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा भला। उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहा करके ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आके मिले फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के मीनिंग पर। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने प्रियजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है, उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहां तक कि खुद की भी मौत एक दिन जरूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी ना किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे। और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है। और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें डरने की जरूरत है, हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक मायाजाल है। अब दोस्तों, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए या सपने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर डिसीजन में यह देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन से हैं और आपके कर्तव्य के लिए जरूरी क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिशें नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। और गुस्सा ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने के पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाओगे, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है। अब आप यह भी बोलोगे कि अगर जिंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि ये काम मैं नहीं बल्कि मेहनत भगवान कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो। भगवत गीता अध्याय 3, कर्म योग। दोस्तों, अब गीता के थर्ड चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतें कैसे छोड़ें और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ये बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। सुनकर कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने खुद ने ही दो तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह करके भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही,
और अगर तुम इन सबको किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे क्षत्रिय हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है, मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, अब तुम मुझको ही देख ले, मैं तो भगवान हूं, मुझे भला किसी काम को करने की जरूरत क्या है? पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांध कर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना युद्ध कर। अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए, अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी कि तुम आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर, बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, अब श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हो, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज और आपके इश्यूज क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। ये है आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स और अपनी एक्टिविटीज से बहुत ऊपर हो, और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि आपके शरीर के एक्शंस। एक्शंस के लिए भगवान ने यह बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहो, और दूसरा ये कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए।
क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि आत्मा समझो और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है। भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूं वो मैंने बहुत पहले ही इसी पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं अधर्म का नाश करने इस धरती पर मानव रूप में आता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती में खुश नहीं रह पाता वो परलोक में भी खुश नहीं होता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जला देती है उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को अकर्ता मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूं। दोस्तों, इस चौथे चैप्टर में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और निगेटिव एनर्जी लोगों में ज्यादा होती है तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये नॉलेज लेना और सीखना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस फील्ड के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टारगेट से और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिला सकता है। भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भागवत गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूं। इस शरीर को चाहे कितना ही सुख दे दो
उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बंधता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन हैं। इनका त्याग कर। दोस्तों, हमारी बॉडी यानी कि शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते भागवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं, और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल कर ही लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। भागवत गीता अध्याय 6, ध्यान योग। भागवत गीता के 6 अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं, यानी कि आज की लाइफ में बोले तो वह इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है अर्जुन। और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लौ होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए, और जब योगी इस संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल और हठीला है, इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले, हाँ यह सत्य है कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मा योग की राह से विचलित भी हो जाती है तो भी उसको योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाता है, और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताकर फिर से किसी पुण्यात्मा के परिवार में जन्म ले लेता है, और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त करी थी, और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वियों और विद्वानों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन,
तू भी योगी बन, क्योंकि जो योगियों में भी परम होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर वो इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, जो दूसरों की बातें माइंड नहीं करता और हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसको पता, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए, तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने सपने ही रह गए। पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी रीजन की वजह से, परमात्मा ना करे ऐसा हो, पर आपकी डेथ हो जाए या सपने के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाओ, तो इस केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और बाय नेचर आप ऐसे माहौल या घर में जन्म लोगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला लेवल नेचुरली ही मिल जाएगा, और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं, स्वयं कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के 6 चैप्टर के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 45 तक यही बात कही है, और ये भी कहा है कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो सच में बहुत बहुत मेहनत करते हैं। यह भागवत गीता सार आप YouTube के जीत फिक्स चैनल पर सुन रहे हैं। भागवत गीता अध्याय 7, भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें चैप्टर में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बातें बताने वाला हूं जिनको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई सा भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे दो रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है, वही दूसरा चेतन रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूं, जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार में मैं ही हूं, पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूं। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते, और वास्तव में तो ये सांसारिक गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है, वो मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। कोई भी भक्त 4 तरह से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है, वो मृत्यु के पश्चात मुझमें ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं, तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूं, और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता, और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है, तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूं। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूं, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं, वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझमें ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो, तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है,
ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टारगेट वारगेट सब बेकार है, लाइफ के मजे लो, कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि ये इंसान उसमें उलझ के रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो हार्डवर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है। भागवत गीता अध्याय 8, भगवान की प्राप्ति। भागवत गीता के 8वें चैप्टर में आप जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन है, ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हार्ड वर्क में लगना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये परम ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये संसार क्या है और ये देवता कौन है, इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्म परम अक्षर है, आध्यात्म जीवों का स्वरूप है, कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं, हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है, जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है, इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूं। और जो भी पुरुष अपने अंतकाल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को भ्रकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त होता है, इसलिए मेरा स्मरण करने वाले सदैव मेरे पास ही आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझमें ही ध्यान रख के युद्ध कर, जिससे कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वह बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाता है उसके दुख और मृत्यु चक्र समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के आरंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है, और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह दो रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का आप आजकल की लाइफ के लिए इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो, कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्मयोगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि ये यूनिवर्स बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लाइफ में सिर्फ सपने सजो के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। भागवत गीता अध्याय 9, अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9th चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है, इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूं। वह मनुष्य जो मुझमें श्रद्धा नहीं रखते, वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूं और मिटाता हूं। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं, पुनर्जन्म देता हूं, लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूं। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते।
और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं उनको वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझमें मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी ना केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूं बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझमें ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहां तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वह भी मुझमें आसक्त होकर इस भवसागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझमें समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी से जोड़ देता हूं, दोस्तों इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद में हमारी थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसलिए निगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। भागवत गीता अध्याय 10, भगवान की महिमा। भागवत गीता के 10वें चैप्टर में आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहां कहां किस किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, यहां है, वहां है, हर जगह है, पर इसको हम जरा बारीकी से जानेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूं। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूं। इस संसार में जहां जहां जिसकी भी पूजा होती है वह वास्तव में मैं ही हूं। जो लोग मुझमें मन और प्राणों को अर्पण करते हैं उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूं। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और ज्यादा मन मोह रही है। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है उससे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूं। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूं। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूं। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वालों में पहाड़, देवर्षियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में एरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्रीराम, समुद्र में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त पुरुषों की भक्ति भी मैं ही हूँ। वृष्णवंशियों में कृष्ण यानी कि स्वयं मैं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वालों का मौन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है।
दोस्तों, इस चैप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीजों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए जरूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। भागवत गीता अध्याय 11, भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूं। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना कोई अंत था। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूं, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कहीं अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। मैं पांडवों, कौरवों की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूं। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूं और मैं ही समय हूं। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूं। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले ही लिख चुका हूं। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूं। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपको कोटि कोटि नमस्कार, नमस्कार आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ, इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पे वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बढ़ाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी।
और दोस्तों यही महान लोगों का एक गुण भी है, वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन को दिखाता है। भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। दोस्तों गीता के 12वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अड़िग रहें, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, रूप या फिर निराकार? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वह मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं, परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तू मन को मुझ में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर। जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को रोकने के अभ्यास में भी असफल है तो तू मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शस्त्र और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए है वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है, और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म और मेरी सेवा करते हैं वह मुझे अति प्रिय है। दोस्तों इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के इमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करूं। यह भागवत गीता सार आप यूट्यूब के जीत फिक्स चैनल पर सुन रहे हैं। भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भागवत गीता के 13वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्शन से रिजल्ट पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेत, जिस तरह से खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर फल देता है, उसी तरह जीवन में भी जिस तरह का कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है, इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है, और इस ज्ञान में 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी सम्मिलित है। अब परम ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला ज्ञान क्या है यह मैं तुझे बताऊंगा। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, दूसरों के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए, गुरु की सेवा की जानी चाहिए, मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए, मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए, किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए, संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए, अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए, वासना वाले लोगों से दूरी होनी चाहिए, एकांतवास में मन का शुद्धिकरण करना चाहिए, मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा। वो सर्वव्यापी है, वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है, और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है, वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है, वह दूर भी है और पास में भी, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया का भी महामाया है, परम ब्रह्मों से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है, परंतु इसके बाद भी यह जानने के योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है।
प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों